अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्लास सिक्स सोशल स्टडीज में हमारा चैप्टर टू कंटिन्यू है जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट, राइट। अच्छा देखें, इसमें हम मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है कि वो वेदर ये क्लाइमेट चेंजेस जो है वो किन फैक्टर्स से आती हैं, हम मुख्तलिफ इसके फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। आज जो मैं आपको समझाऊंगी फैक्टर वो है ओशन करेंट्स, यानी समंदर में जो लहरें होती हैं ना, बड़ी बड़ी मौजें या लहरें जो कि समंदर के अंदर होती हैं। देखें ये ओशन करेंट्स है क्या, ये सबके बहुत बड़े बड़े जॉइंट रिवर्स हैं या स्ट्रीम्स कह लें, राइट। ये समंदर के अंदर होते हैं जो कि हमें नजर नहीं आते हैं, ये मतलब मुसलसल सफर में होते हैं समंदर के अंदर, राइट। अच्छा, कुछ ओशन करेंट्स ऐसी भी होती हैं जो समंदर की सतह पर भी आती हैं, मतलब जो ओशन का सरफेस होता है उस पर भी आती हैं, जिसका इफेक्ट जो है वो वहां के रीजन पर होता है जहां समंदर फ्लो करकर या वो लहरें फ्लो करकर जाती हैं, राइट। अच्छा देखें, अब जैसे ये ओशन करेंट्स जो है वो किस तरह किसी भी रीजन के वेदर में या क्लाइमेट में चेंज लाते हैं। देखें जैसे कि एंटार्क्टिक रीजन जो है या आर्कटिक रीजन जो है, मतलब कि जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, आपको मालूम है ना, वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, वहां जो है वो मुसलसल बर्फ जमी रहती है। जब वहां से समंदर की लहरें उठती हैं या समंदर करेंट्स यानी जो ओशन करेंट्स हैं जब ये चलते हैं, तो वो जिस ममालिक से गुजरते हैं तो वहां का समंदर जो है वो इसी तरह ठंडा होता जाता है, मतलब बहुत ज्यादा कूल होता जाता है। जब वहां का समंदर वहां के लहरें कूल होती हैं तो फिर वहां का रीजन भी इसी तरीके से कूल हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। अब देखें जब ये जो मैंने आपको दोनों पोल्स बताए हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक पोल्स, जब यहाँ से समंदर के ये करंट जब है जब किसी रीजन की तरफ जाते हैं तो वहां का पानी भी उसके साथ साथ बहुत ज्यादा ठंडा होता जाता है। अब देखें साउथ अफ्रीका का वेस्ट, राइट, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया। अब साउथ अफ्रीका जो है वो इक्वेटर से बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन उसका जो वेस्टर्न रीजन सारा है, जब वहां से ही ओशन करंट्स गुजरते हैं तो उस पूरे रीजन को बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं। तो इसीलिए ओशन करंट्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक कोल्ड करंट होते हैं और एक वार्म, ठीक है। अब देखिए जो मुख्तलिफ गल्फ स्ट्रीम्स जो है वहां से जब ये करंट गुजरते हुए समंदर में से गुजरते हुए उस रीजन में गुजरते हैं तो वो उस इलाके को भी वार्म कर देते हैं। जैसे कि यूरोप का कुछ हिस्सा है, हालांकि यूरोप जो है वो इक्वेटर से दूर है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जब वहां यानी गल्फ करंट वहां से गुजरते हैं, क्योंकि वो वार्म करंट होते हैं तो वो उस रीजन को भी वार्म कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए देखें ये जो ओशन करंट्स होते हैं ये किसी भी रीजन के क्लाइमेट के लिए, मतलब वहां के क्लाइमेट को चेंज करने के लिए अहमियत रखते हैं। जब कोल्ड करंट वहां से गुजरते हैं तो वो उस रीजन को ठंडा कर देते हैं, और वार्म करंट गुजरते हैं तो वो उस रीजन को गर्म कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, देखें अब ये मैंने आपको एक फैक्टर ही समझाया है, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। इसका जो टास्क आपको दिया जाएगा वो कम्प्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।